प्रयागराज में पुलिस ने मोहम्मद मुजफ्फर का 3.75 करोड़ का मकान और प्रॉपर्टी कुर्क की। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने करीब 18 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। मोहम्मद मुजफ्फर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का रिश्तेदार है, साथ ही वह कौड़ीहार ब्लॉक प्रमुख भी है। उसने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए उसे रिश्तेदारों के नाम कर दिया, मगर पुलिस की जांच और कोर्ट के आदेश प्रॉपर्टी बच नहीं सकी। मोहम्मद मुजफ्फर और उसके भाई मोहम्मद मुअज्जम ने पुलिस से बचने के लिए अपनी संपत्तियों को रिश्तेदारों के नाम कर दिया था। बमहरौली उपरहार सदर में 306.69 वर्ग मीटर में बने एक आलिशान मकान कौसाम्बी के रिश्तेदार वैश अहमद के नाम कर दिया था। वहां की 84 वर्ग मीटर जमीन असगरी बीवी के नाम से बैनामा थी। दोनों प्रॉपर्टी की कीमत 3.75 करोड़ है। पुलिस ने इस प्रॉपर्टी को कुर्क करके वहां नोटिस बोर्ड लगा दिया। इसके अलावा 13 अगस्त को पुलिस ने बक्सी बाजार में 404 वर्ग मीटर जमीन पर कार्रवाई की। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। 5 अगस्त को मुजफ्फर के रिश्तेदारों के नाम से बनाई गई 4.85 करोड़ की संपत्ति और 13 अप्रैल को बेगम बाजार के 5 करोड़ के मकान को कुर्क किया गया था। नवाबगंज के चफरी का रहने वाला मुजफ्फर जेल में बंद है। इसके खिलाफ पिछले साल पूरा मुफ्ती में गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया गया था। वह धूमनगंज में 2018 में 1800 किलो प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया था। इसी मामले में मुजफ्फर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। नवाबगंज के चफरी गांव में रहने वाले मुजफ्फर ने प्रतिबंधित मांस की तस्करी से अकूत संपत्ति कमाई। इसके खिलाफ न सिर्फ प्रयागराज बल्कि कौसाम्बी, कानपुर, फतेहपुर, भदोही और वाराणसी जनपदों में 30 मुकदमे दर्ज हैं। ज़्यादातर मुकदमे प्रतिबंधित मांस की तस्करी के हैं। मुजफ्फर 8 भाइयों में सबसे बड़ा है। उसके समेत कुल 5 भाई हिस्ट्री सीटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।